Dear students, today we are going to start lecture number 15 in which we will discuss about the constraint satisfactions problem. In a previous lecture we have discussed about the game theories, we have discussed about the adversarial search, jisme humne discussions ki hai ki there is a competitive environment hai, us competitive environments ke andar jo hai हम किस तरह से जो है पर्टिकुलर जो हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है जिसमें हम चाहते हैं कि ओपोनेंट्स को हम डिफीट करना चाहते हैं उस सिनेरियो के अंदर हम किस तरह से सर्चिंग करेंगे. और वहाँ हमने मिनमैक्स को प्रेजेंट किया और मिनमैक्स एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वन प्लेयर इज रिप्रेजेंटिंग बाय द मैक्स एंड अदर इज प्लेयर इज रिप्रेजेंटिंग बाय मिन एंड बोथ ऑफ देम्स जो है वो एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं. और फिर उनके लेवल्स हमने डिफाइन किए कि मैक्स का लेवल होगा कि वो मैक्सिमम्स जो है वो टर्न लेगा और मीन का होगा कि मिनिमम लेगा कि वो एक्चुअल जो है उसको क्या कर रहा है उसको स्कोर को रिवर्स कर रहा है उसको डिफीट करने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद हमने अल्फा बीटा प्रोनिंग की बात की है कि हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास तो उस केस में हमने ऐसे ब्रांचिंग फैक्टर्स जो हमें लगता है कि देर इज़ अ नो नीड ऑफ एक्सप्लोर सच अ नोड्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर हम अल्फा बीटा प्रूनिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रूनिंग्स की जगह कट डाउन कट ऑफ लगा देते हैं कि इन जो है ब्रांचिंग फैक्टर्स की वैल्यूज जो है वो हमारे पास एज सच जो है हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगी लिहाजा हम उनको उसमें से सर्चिंग मैकेनिज्म में क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं और बाकी जो है ब्रांचिंग उसको करते हैं. अच्छा आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें कुछ रूल्स को भी क्या करना होता है इम्प्लीमेंट करना होता है उनके सॉल्यूशंस के लिए तो उस सिचुएशन में हम लोग कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रेटजीज को और इसके एल्गोरिथम्स को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट. उसके बाद हम लोग इसी की मदद से देखेंगे किसी प्रॉब्लम्स को हम जो कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में किस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है वो सुडोको गेम्स की हम एग्जांपल प्रेजेंट करेंगे और उसके बारे की एग्जांपल जो होगी नेक्स्ट मैप कलरिंग की होगी और मैप कलरिंग की एग्जाम्पल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये हम लोग AI के अंदर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर एक मैप को कलरिंग कलर करना हो और वहाँ पर हमारे पास जो है उसकी डिफरेंट जो है वो सिटीज़ भी दी हुई हैं और या फिर वो कंट्रीज लेवल पर भी हो सकता है और फिर हमें कुछ कलर्स दिए गए हों कि ये कलर्स हैं और नेक्स्ट उन कलर्स की मदद से हमने क्या करना हो उनको जो है वो फिल करना हो और उसमें फिर कुछ कॉन्स्टेंट्स हों कि जैसेंस जो है वो सेम कलर ना हो ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें प्रॉपरली दो सिटीज़ के दरमियान या दो कंट्रीज़ के दरमियान. इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स को हमारे पास CST जो है इसको हम कॉन्स्टेंट ग्राफ की मदद से देख सकते हैं एक ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं कि हम किन किन जो है वो नेक्स्ट जो है वो नोड्स तक जो है वो ट्रेवल्स कर सकते हैं अंडर द कॉन्स्टेंट्स उनके एजेस के साथ जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम देख सकते हैं ग्राफ की मदद से. तो पॉपुलर प्रॉब्लम ऑफ द CST को हम दिखाएंगे कि वो कौन से हैं जैसे एक क्विंस है हमारे पास अभी हमने सुडोको गेम्स की बात की मैप कलरिंग की बात की है तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं डेट आर द डोमेन्स ऑफ द कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की डोमेन्स के आकर हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या है. अ प्रॉब्लम डेट रिक्वायर्ड दिस सोल्यूशन विद इन द सम लिमिटेशन और कंडीशन आल्सो नोन एज द कॉन्स्टेंट्स और इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके सोल्यूशंस के लिए हमें कुछ लिमिटेशंस को देखना होता है या जिन्हें हम कंडीशंस कह सकते हैं तो वो कंडीशन और लिमिटेशंस जो हैं वो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है हमारी पर्टिकुलर वो है कॉन्स्टेंट्स यानी हम उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर उस प्रॉब्लम का क्या ढूंढते हैं सोल्यूशन. अच्छा ये कंसिस्ट होता है यहाँ पर तीन चीज़ों पर एक होगा हमारे पास एक्स सिंबल है डेट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फाइनाइट सेट ऑफ द वेरिएबल्स और ये हमारे फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे हमारे पास एक्स इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स तो एक्स वन इज़ अ वन वेरिएबल्स एंड एक्स टू एंड एक्स एन इज़ अ तो हमारे पास जो है वेरिएबल्स होंगे.
बाद होगा डी सिंबल इज यू रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ द डोमेन्स, और वो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज असाइन होनी है उनको, उसकी रेंज क्या होगी, दैट विल बी डिफाइंड बाय द डोमेन्स, और डोमेन्स में भी क्या होगा, हम डी वन है से डी एन तक होगा, और डी वन डोमेन दैट इज एक्चुअली इज डिफाइनिंग द डोमेन ऑफ द वेरिएबल एक्स वन है, तो वन फॉर द ईच वेरिएबल, यानी हर एक वेरिएबल के लिए एक डोमेन हम डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट होता है कि वो क्या कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये दो कम्बिनेशन है हमारे पास जो हमारी वेरिएबल्स का और डोमेन्स की वैल्यूज उसको साइन होनी है वो अंडर दी किन जो है कॉन्स्टेंट्स में होगी। तो सी इज द फाइनाइट सेट, यानी सी सिंबल हमारे पास यूज हो रहा है फॉर रिप्रेजेंटिंग द फाइनाइट सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, यानी कॉन्स्टेंट्स के फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट स्पेसिफाई द अलाउएबल कॉम्बिनेशंस, यानी वो अलाउएबल कॉम्बिनेशन है और वैल्यूज का जो हम उन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। और सी इज इक्वल टू सी वन एक सेट है हमारे पास, सी टू एन सी एन तक, यानी ये दीज आर द सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स है। तो देयर आर द थ्री जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वन इज द वेरिएबल्स, अदर इज द डोमेन्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट इज द कॉन्स्टेंट्स टू साइन द वैल्यूज ऑफ द डोमेन टू वेरिएबल्स है। अब इसकी एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो हमें इसकी मजीद जो है वो बेहतर समझ आएगी कि ये क्या किस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंट सेक्शंस प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो क्या है, स्टेट इज डिफाइंड बाय द वेरिएबल, यहाँ पर जो स्टेट होगी, पहले अगर आप देखें सर्चिंग मैकेनिज्म में हम स्टेट जो है वो एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टेट को प्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द वेरिएबल्स, यानी वहाँ पर जो था हमारे पास एक स्टेट जो थी वो एक नोड से रिप्रेजेंट की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर यानी सी एस टी के अंदर जो है वो स्टेट इज डिफाइंड होगी बाय इससे भी वेरिएबल से, और वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारे पास एक्स सिंबल्स होंगे और वेरिएबल्स के जो है सबस्क्रिप्ट पर जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स का जो है इंडेक्सिंग आ रही होगी विद द वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन डी, और उनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, डोमेन डी से आएंगी, और यहाँ पर भी हम सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं आई, दैट इज द इंडेक्सिंग, और इससे भी पता चलेगा कि ये डोमेन जो है वो किस वेरिएबल्स को क्या है बिलोंग करती है। अच्छा, नेक्स्ट है गोल टेस्ट, इसमें हमें नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए, स्टेट तो हमने रिप्रेजेंट कर ली वेरिएबल से और उसके साथ डोमेन्स को भी हमने जोड़ लिया, एसोसिएट कर लिया है, तो गोल टेस्ट है इज द सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स हैं। गोल टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे कि जो रूल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, स्पेसिफाई अलाउएबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज फॉर द सबसेट ऑफ द वेरिएबल्स को क्या मीट कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो देन वी हैव द गोल टेस्ट क्या होगा हमारे पास सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर वो कॉन्स्टेंट उसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो देन वी आर नॉट इन ओवर, हमारे हमने अभी तक अपना गोल जो है वो अचीव नहीं किया। तो अलाउ द यूजफुल जनरल पर्पस एल्गोरिज्म है विद द मोर पार देन द स्टैंडर्ड सर्च एल्गोरिज्म से जो है ये एक जनरल पर्पस मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम देखते हैं किस तरह वर्क करता है। अच्छा, कन्वर्टिंग में प्रॉब्लम इन टू सी एस पी कैसे होगा, स्टेप वन में हम करेंगे क्रिएट द वेरिएबल सेट्स, पहले हम प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, तो उसके लिए फिर हम एक वेरिएबल सेट जो है डिफाइन करेंगे नंबर वन। स्टेप टू होगा क्रिएट द डोमेन सेट, फिर हम उनके अंदर अलाउएबल जो वैल्यूज होगी उसको बनाएंगे और वो कहलाएगा वर्सेस डोमेन सेट। नंबर थ्री होगा क्रिएट द कॉन्स्टेंट सेट्स विद द वेरिएबल्स, और फिर हम कॉन्स्टेंट्स का एक सेट डिफाइन करेंगे जो वेरिएबल के साथ क्या होगा एसोसिएट कर रहा होगा इन द डोमेन और डोमेन के साथ, और ये होगा इफ पॉसिबल आफ्टर कंसिडरिंग दी कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स को जो है इसके बाद जो है हम कंसिडर करेंगे कि क्या क्या हैं, लिहाजा फोर पे हम जाकर देखेंगे फाइनल फाइंड दी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के, अब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होगा और वो उसमें जो है ये कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे जो हम जो है गोल टेस्ट में जो है वो वेरीफाइड करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक गेम है, सुडोको गेम है, आप लोगों में से कुछ खेली भी होगी, तो यहाँ पर ये बॉक्स होता है और यूँ एक स्क्वायर ब्लॉक है ये 3x3 का, इसी तरह से जो है ये रोज हैं इसमें और ये कॉलम्स होते हैं, रोज ये होता है कि एक रो में सेम में सेम नंबर नहीं आता, इसी तरह से कॉलम में भी सेम नंबर नहीं आता, तो इस गेम को जो है खेलने के लिए क्या होगा, देखिए वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, बॉक्सेस हैं जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, दीज आर द वेरिएबल्स के तौर पर हम प्रेजेंट करेंगे,
और नेक्स्ट जो होगा डोमेन्स का होगी रेंज ऑफ द वन ऑफ नाइन। तो हर बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज आएगी बच्चों वो वन से लेके नाइन तक होगी, और नेक्स्ट जो उसका कॉन्स्टेंट होगा गेम रूल्स होंगे। जब आप यहाँ स्पोर्ट्स में एट सेवन प्रेजेंट कर रहा हूँ और दैट इज द सेवन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन डैट रोज, दैट इज द वायलेशन ऑफ माई कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ नॉट अ मूव टू मूव हेयर द सेवन। इसी तरह से ये हमारे पास गेम रूल्स होंगे, हम लोग यहाँ एट प्रेजेंट करते हैं सो के फिर हम चेक करेंगे कि हाँ इस थ्री बाई थ्री में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अच्छा, अब ये तो एक सिंपल एक एग्जांपल होगी, और अब एक और इससे सिंपल एग्जांपल ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास एक मैप है स्पोर्ट्स जिसमें जो है आप देखें डिफरेंट जो है हमारे पास स्टेट्स हैं। यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेलिस है, इसी तरह से विक्टोरिया है, तस्मानिया है। तो ये हमारे पास जो है वी आर हैविंग इंटरेस्टेड टू कलर्स सम कलर्स के हम यहाँ पर कुछ कलर्स मैप भी करें और यहाँ फिर नेक्स्ट कलर हो, इसी तरह से कलर करके जो है उसको जो है फाइनली जो है वी हैव टू प्रेजेंट दिस मैप करें। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, कंसिडर द मैप कलरिंग प्रॉब्लम्स। अब आपको समझ आएगा इसमें, तो मैप इज अ गिवन टू यू एंड यू हैव टू फिल इट विद द ओनली थ्री कलर्स। अब ये हमारे पास देखें यहाँ पर आया कि डोमेन जो सेट हुई है कि हर एक में जो है वो क्या होगा, या तो ब्लू कलर होगा, ग्रीन एंड रेड होगा, इसके अलावा देयर इज नो अदर कलर। सो द डोमेन इज द रेंज बन जाती है हमारी किसकी वेरिएबल्स की, एंड वो और डोमेन इज हियर क्या आ गई हमारे पास ब्लू, नेक्स्ट इज द ग्रीन कलर हो सकता है, एंड नेक्स्ट इज द रेड हो सकता है, नो अदर कलर, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। इफ वी आर प्रेजेंटिंग दिस वे by using the some symbols W, so this is the variable W representing the Western Australia, and the N that is representing the Northern Territory, and the Q is that is representing the Queensland. So these are called the over the variables होते हैं, हम ये variable define करते हैं, and then what is the domain of the each variable, that is the blue, green and the red. So, but no two adjacent locations should have the same color. But this is the constraint. कि दो adjacent जो है यानी मुलहका एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जो है उनके कलर्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। Suppose आप you have to red here, then that color will not be filled here and here. यहाँ आप फिल नहीं कर सकते इसके adjacent। इसी तरह से अगर आप कोई कलर यहाँ कर देंगे तो आप इसके एडजेसेंट जो कलर होंगे, क्योंकि इसके एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो क्या होगा, आप उसके एडजेसेंट वो सेम कलर नहीं करेंगे, आप उसकी जगह कोई और कलर यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द कॉन्स्टेंट होगा। तो ये सी इज़ द डेट हमारे पास जो है टू एडजेसेंट्स जो है लोकेशंस शुड नॉट हैव द सेम कलर। तो ये अब आपको इस प्रॉब्लम को ज़रा देखना, इसी को हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे बच्चों। तो मैप ये है हमारे पास। अब अगर हम कंप्यूटर मशीन को देते हैं, मशीन में कुछ इस तरह का हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर दें कि वो फिर इसको जो है क्या करे कि हमने इसको बताया है कि देयर इज़ अ नो एडजेसेंट टू लोकेशन हैव द सेम कलर्स, और कलर्स हम उसको देते हैं दैट इज़ द ब्लू, ग्रीन एंड रेड, और फिर उसको ये लोकेशन भी देते हैं, और फिर वो हमें क्या करें इसे प्रॉपरली कलर करके हम प्रेजेंट करें। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द मैप कलरिंग है। अच्छा, आप देखें जो हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो वेरिएबल देखें यहाँ जो है डेट इज वी हैव टू डिफाइन बाय द सिंबल जो है हमारे पास एक्स है। तो एक्स इज द सेट ऑफ द वेरिएबल, सो हेयर द डब्ल्यू इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एन टी इज द नीदर टेरिटरी है, क्यू इज द क्वींसलैंड है, NSW जो है डेट इज रिप्रेजेंटिंग जो है साउथ जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह से V जो है वो हमारे पास विक्टोरिया है, ऐसे जो है हमारे पास साउथ वेलिस है, इस तरह से T का तस्मानिया है, जो इसी तरह से जो है ये हमारे पास क्या बन गई वेरिएबल इन दिस प्रॉब्लम। अच्छा, डोमेन्स हमारे पास क्या बनी, क्योंकि अब हर एक को हम कलर्स जो दे सकते हैं वो या तो रेड हो सकता है, या ये क्या होगा इसमें ग्रीन आ सकता है, एंड अदर इज द ब्लू, नो अदर, और कोई कलर नहीं हो सकता। तो दिस इज द डोमेन डी आई हमारी, और यहाँ पर हमने वो तीन कलर जो है वो डिफाइन कर दिए डोमेन सेट के अंदर।
और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, एडजेसेंट रीजन मस्ट हैव अ डिफरेंट कलर. एन एग्जाम्पल हम इसको इस तरह भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इफ यू हैव टू डब्ल्यू ए जो होगा, अगर आप जो यहाँ कलर करेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू द, तुम्हारे पास नॉर्थन टेरिटरी के में भी वो कलर नहीं होगा एंड और वो कलर ना हो आप कह देंगे हमारे पास इसके अंदर साउथ साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर साउथ. तो ये इस तरह से हम इसको कांस्टेंट देखते हैं. देखिए वो याद हो नॉट भी यूज होता है, नॉट इक्वल टू है, इसी तरह से जो है हमारे पास एंड है, दीज आर द फॉर कंडीशनल्स और है, तो ये हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग इन अ क्रिटिकल अप्रोच. जी इसकी क्लियर हो गया, समझ आई टीवी क्लास. यहाँ समझ आई वेरिएबल्स डोमेन्स एंड कॉन्स्टेंट्स की. ठीक आवाज आ रही है? क्लास आवाज आ रही है? सर आ रही आवाज. समझ भी आई है जो अभी हमने डिस्कशन किया ये वेरिएबल डोमेन्स एंड द कॉन्स्टेंट्स की? यस सर. ओके अच्छा आप देखें इसमें देयर आर द मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो आप देखे होंगे कि आप कोई भी कॉम्बिनेशंस लेकर आप उसका सॉल्यूशन जो है उसमें क्या बना सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट कहलाएगा और उनमें से एक सॉल्यूशन ये हो सकता है जो अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ देखिए यहाँ पर ये है कि अगर आप जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को आप रेड कलर करते हैं तो इसी तरह से आप देखिए नॉर्थन जो टेरिटरी है दैट इज कलर विद द ग्रीन एंड नेक्स्ट वी हैव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया को जो हमने कलर किया है वो है हमारे पास इस वक्त ये ब्लू. तो ये दोबारा करते रेड और यहाँ ग्रीन. सो रेड एंड ग्रीन तो आ चुके थे तो लिहाजा ये भी इसके एडजेसेंट थी. ना यहाँ ग्रीन आ सकता था ना यहाँ पर रेड आ सकता था. तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन थी हमारे पास और वो थी ब्लू की. तो हमने यहाँ पर क्या किया ब्लू से फिल कर दिया. ऐसे ही तो नेक्स्ट जो हमारे पास था यहाँ पर हम लोग क्योंकि क्या था जैसली जो है हमारे पास ग्रीन नहीं कर सकते थे और यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया रेड कर दिया. और इसके बाद देखें यहाँ पर जो है हम लोगों ने कौन सा कलर किया ग्रीन किया क्योंकि अब इन दोनों के एडजस्टमेंट्स किए थे इसके लिहाजा ना ही यहाँ ब्लू हो सकता था ना ही यहाँ रेड हो सकता था. तो प्लेस क्या ग्रीन. अच्छा अब यहाँ पर क्या था देखिए ना ग्रीन हम प्लेस कर सकते हैं ना ब्लू और ओनली वन ऑप्शन वी हैव दैट इज द रेड. ह्यूमन अगर ये काम कर रहा है इसी तरह से यहाँ देखें तो वी हैव टू प्रेजेंट द ग्रीन प्रेजेंट करिए ब्लू भी कर सकते थे कॉम्बिनेशन. तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप इस तरह से यूज करके देयर इज अ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं एंड विच इज द वन ऑफ देम और ये उनमें से बच्चों एक है. आपने देखा और आपको इस प्रॉब्लम की समझ भी आ रही है कि ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वी हैव डिफाइंड द सम कॉन्स्टेंट्स भी हैं हमारे जो हमारी स्टेट्स हैं दैट इज डिपेंडिंग बाय द वेरिएबल्स हैं और फिर हर वेरिएबल्स को जो वैल्यूज आनी है जैसे यहाँ कलर्स हैं तो वो उसकी क्या होती है एक रेंज बन जाती है और उन्हीं में से हम क्या कर सकते हैं उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यूज. और ये वैल्यूज जो असाइनमेंट होती है वो अंडर दी कॉन्स्टेंट्स होती है. जैसे अब इस वेरिएबल को जो है हमने क्या असाइन कर सकते थे कॉन्स्टेंट्स हमने चेक किए दैट इज एडजेसेंट टू द ग्रीन. तो हमारे पास क्या था यहाँ पर इधर एडजेसेंट था ब्लू एंड ऑप्शन इज वन थी कि हम इसको क्या देते रेड असाइन करके. तो ईच स्टेट इन द सी एस पी इज डिफाइंड बाय एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज. तो यहाँ पर हर स्टेट जो है वो एक क्या होती है कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर डिफाइंड बाय एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज. असल में आप यहाँ एक असाइनमेंट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यूज की उसकी डोमेन टू सम ऑफ दी वैल्यूज के वो उन्हीं में से कुछ वैल्यूज जैसे ये हमारे पास वन वैल्यू यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी इसी तरह से हमारे सेकेंड वेरिएबल्स के लिए क्या वैल्यूज आएगी. तो ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट ऑफ दी वैल्यूज है अंडर दी कॉन्स्टेंट्स आर इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं.
A state is an assignment of the values. एक स्टेट जो है वो एक असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज है टू द सम और द ऑल वेरिएबल्स, कि आप उसमें से कुछ वेरिएबल्स को कुछ असाइन करें वैल्यूज या तमाम वेरिएबल्स को एक ही दफा क्या करें असाइन करें. तो टाइप ऑफ असाइनमेंट जो असाइनमेंट करने का तरीकाकार है वो हमारे पास क्या है, वन इज द लीगल असाइनमेंट होगी, पार्शियल असाइनमेंट है और कंप्लीट असाइनमेंट है. तो तीन तरीकेकार असाइनमेंट के हम लोग क्या है यूज करते हैं. यहाँ देखिए लीगल एंड कंसिस्टेंट असाइनमेंट क्या होगी, एन असाइनमेंट दैट डज नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टेंट, ऐसी असाइनमेंट कि वो कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा, इस कार द लीगल और द कंसिस्टेंट असाइनमेंट कहलाएगी. जैसे कि भी आपने इस केस में देखा था मैप करनी सी एस पी के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो एक कंसिस्टेंट लीगल जो है वो कलर जो है लेते हैं, जो असाइन कर देते हैं उस वेरिएबल्स को. इसी तरह से कंप्लीट असाइनमेंट ये होगी कि असाइनमेंट इज अ कंप्लीट व्हेन एवरी वेरिएबल हैज अ वैल्यू, जब हमारी तमाम वेरिएबल जो वेरिएबल्स हैं उनमें वो पर्टिकुलर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट असाइनमेंट. अच्छा पार्शियल असाइनमेंट क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है. एन असाइनमेंट इज द पार्शियल व्हेन द सम वेरिएबल हैव नो वैल्यूज, कुछ को तो असाइन हो चुका है कुछ को असाइन नहीं हुआ, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड अ पार्शियल असाइनमेंट, तो ये कहलाएगी पार्शियल असाइनमेंट. अच्छा सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन टू सीएसपी इज द कंप्लीट एंड द कंसिस्टेंट असाइन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो है एक कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट असाइनमेंट होगी, कोई जो वेरिएबल है ऐसा नहीं होगा कि उसे हम कुछ असाइन ना करें, पार्शियल असाइनमेंट की स्टेट में हो, ऐसा नहीं होगा. तो सम सीएसपीज रिक्वायर अ सॉल्यूशन दैट मैक्सिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और कुछ इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं सीएसपी के अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि वी प्रेजेंट द कि ये जो भी हमने स्टेट देखी है बच्चों, ये स्टेट्स वी कैन प्रेजेंट बाय यूजिंग द कांस्टेंट ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं. अब कांस्टेंट ग्राफ क्या है अगर आप देखें तो इट इज हेल्प टू रियलाइज द सी एस पी एज अ कॉन्स्टेंट ग्राफ, यानी आपने ऑस्ट्रेलिया था इसी तरह से और था और इसी तरह से नेक्स्ट है, और आप यहाँ पर उनकी नोट्स की मदद से कुछ बना रहे हैं और यहाँ पर इनके जो है कॉन्स्टेंट हैं कि जी ये रेड है ब्लू है कौन सी वैल्यू साइज होगी, तो नोट्स ऑफ द ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर जिस तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल हमारी था. एंड द लिंक कनेक्ट्स एनी टू वेरिएबल्स, और इन दोनों के दरमियान जो है आपस में जो कनेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेट बाय द कॉन्स्टेंट्स, और ये कॉन्स्टेंट्स होकर भी पार्टिसिपेट कराएंगे. अब देखिए ये हमारे पास प्रॉब्लम था हमारा, एंड नाउ वी हैव टू प्रेजेंट बाय दिस एंड यू हैव टू डू दिस बाय यूजिंग अनदर. आपके लिए मैंने असाइनमेंट रखी हुई है, एक मैप रखा हुआ आप इसको कन्वर्ट करें. तो यहाँ देखें हमारे पास जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है डेट इज एक्चुअली एडजेसेंट, उसके जो दो मुलाका इलाके हैं उसके लोकेशन हैं उसके साथ, एक तो नॉर्दर्न जो है टेरिटरी है के लिए हमने एक नोट बनाया, इसी तरह से जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो इससे अंडरस्टूड वी हैव टू मेंशन, अगर हम यहाँ रेड मेंशन कर देते हैं तो वी कैन नॉट बी असाइन इन दो को नहीं कर सकते, देन वी ग्रीन एंड यहाँ पर इसको क्या करें. अब देखें यहाँ पर जो ये है इसकी जो नेक्स्ट है हमारे पास ये जो नीदर टेरिटरी है डेट इज अगर देखा जाए तो ये इससे भी जुड़ी हुई है इससे भी है, और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी जो है obviously that is the having links here here and here Queenlands. next jo hai dekhen hamare paas ye jo hai south australia jo hai that is agar aap dekhen to ye bhi iski bhi jaisi tariban ye jo inke baaki hai bakiya hai तस्मानिया के अलावा उनके सबसे ये जो है जुड़ा हुआ है. तो अगर आप ये देखें डेट इज से जुड़ा हुआ है से 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 और देयर इज अ नो लिंक हियर, यहाँ पर बनता नहीं है, तो दिस इज एडजस्टेड प्रेजेंटिंग.
तो दिस इज द कांस्टेंट ग्राफ है हमारे पास एंड यू कैन डू द एक्सरसाइज ऑफ द सेम डिफाइनिंग द ग्राफ बाय यूजिंग दिस मैप मैप को अगर आप इस्तेमाल करें तो आप यू कैन डिफाइन योर ग्राफ एंड डू योर प्रैक्टिस मैनुअली अगर आप ये प्रैक्टिस रहा जो है नेक्स्ट लेक्चर तक कर लेंगे आइडिया हो कि किस तरह से जो है वो ग्राफ क्या होता है बिल्डअप. अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सी एस पी के बेनिफिट्स क्या हैं. तो सी एस पी यील्ड्स आर नेचुरल रिप्रेजेंटिंग फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. नेचुरल रिप्रेजेंटिंग है यानी जिस तरह से आप नेचुरली चीज़ें देखते हैं रियल वर्ल्ड की उसी तरह का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है. इट इज़ ऑफन ईजियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग सी एस पी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्वर देन टू डिज़ाइन अ कस्टम सॉल्यूशन यूजिंग एन अदर सब टेक्निक्स. तो बहुत ही आसान तरीकेकार है अगर कंपेरिजन करें कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस के सर्चिंग टेक्निक्स के बात करें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो सी एस पी सॉल्वर कैन बी फास्टर है देन द स्टेट स्पेस सर्चर. यानी जो इससे पहले जो हमने स्टेट स्पेस सर्चिंग की बात की है उससे ये क्या है फास्टर है. एंड सी एस पी सॉल्वर है कैन द क्विकली एलिमिनेट द लार्ज जो है स्विचेस ऑफ दिस सर्च स्पेस. और ये बहुत सारी जो हमारे पास लार्ज पिचेस हैं जहाँ पर हमने सब स्पेस में क्या करते हैं ट्रैवर्सिंग करते हैं फॉर सोल्यूशन उसको बहुत जल्द क्या करता है एलिमिनेट करता है और हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है. मैनी प्रॉब्लम्स डेट आर इनट्रेसेबल फॉर द रेगुलर स्टेट स्पेस से ट्रेसेबल नहीं होते कैन बी सॉल्व क्विकली बाय द फॉर्मेटिंग द सी एस पी के अंदर आप उसको फॉर्मेट कर सकते. अच्छा दीज आर द सम पॉपुलर जो हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ सी एस पी है. तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स है ये आप यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग सी एस पी है. इसी तरह से एन क्वींस प्रॉब्लम्स है मैप कर्विंग है जो भी हम बात कर रहे थे क्रॉस वर्ल्ड्स की बात करते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं. इसको तो हम प्रैक्टिकली जो है करके देखेंगे. इसी तरह से आपने देखा सुडोकू गेम जो है यू हैव टू प्रेजेंट बाई यूजिंग द सी एस पी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. इससे लैटिन स्क्वायर प्रॉब्लम है और से लैटिनी का जो स्क्वायर प्रॉब्लम है इसको भी आप जो है वो सी एस पी सॉल्व कर सकते हैं. तो ओवर इम्प्लीमेंटेशन से डेट इज ओनली फोकस ऑफ द मैप कर्लिंग है क्योंकि इसी प्रॉब्लम को आज हमने डिस्कस किया है और इसी को जो है वो हम लोग क्या करेंगे प्रॉपरली जो है वो पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. So today class over lecture that is definitely about the constraints and protections problems पे है. इसमें हमने converting problem to the CSP सीखा four steps से. Number one step ये था कि we have to find the set of the variables जो हमारी जो है वो states को represent करेंगे उन्हें find करेंगे. Number two, we have to find the domain set of domains, the values that is assigned to the variables को होंगी और वो जिसके इस तरह केस में आपको दिखाया कि हमारे पास क्योंकि एक locations को color करना है और colors की जो range है that is definitely three है under the constraints. तो उसकी domain क्या बनी बच्चों red, green and blue colors. नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हमने डिस्कशंस की है प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हुए कि वी हैव टू डिफाइन द कॉन्स्ट्रेंट्स. हमें उन जो है कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखना होगा और वो कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए हम सिंबल सी का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स भी जो है नेक्स्ट सिंगल फॉर्म ऑफ द सेट सी वन टू सी एन तक हो सकते हैं. हम उसके अंदर क्या करेंगे. नंबर फोर पे हम लोग जो है गोल टेस्ट बनाते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ तो गोल सेट में क्या होगा अंडर दी वेरिएबल्स एसोसिएशन देखेंगे डोमेन्स की प्रॉपरली वो वैल्यूज उनको असाइन हुई हैं या नहीं हुई हैं. तो ये फोर थिंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट है सी एस पी के अंदर. फिर हमने सुडोकू को गेम को देखा है कि वहाँ पर देखें किस तरह से है रो एंड कॉलम्स में सेम जो है वो रिजल्ट नहीं आता और पर्टिकुलर जो एक यूनिट है एक ये था कि जी हम लोग कलर करना चाहते हैं और वो कलर जो है हमारे पास जो है पर्टिकुलर दो जो एडजेसेंट्स हैं लोकेशंस हैं उनमें सेम होना चाहिए.
कांस्टेंट ग्राफ को देखा कि फिर हम उसको कांस्टेंट ग्राफ की मदद से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से पॉपुलर प्रॉब्लम ऑफ द सीएसपी कोड में देखा। तो क्लास यहाँ तक आज का लेक्चर है, इसको आप जरा अच्छे से देख लें, इसको सुन लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल प्रेजेंट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस।